आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सर, अपील की हेयरिंग कितने दिनों में होती है? अपील का ऑर्डर पास करना कितने दिनों में ज़रूरी है? चलिए तो मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अपील की बात बताऊंगा, जो अपील फाइलिंग मैंने करी थी। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो डेट ऑफ अपील क्या लिखा हुआ आ रहा है। डेट ऑफ अपील लिखा हुआ आ रहा है 30 नवंबर 2022। तो ये वो तारीख है जिस दिन हमने पोर्टल पर अपील फाइल करी और हम अपने पेपर जमा करके आए कि भाई साहब हमारे पेपर आप जमा कर लो, आप हमारी अपील को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम सुन लेंगे। अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होती है हेयरिंग। ठीक है, हेयरिंग पे ऑफिसर आपको बुलाता है। ठीक है, तो हेयरिंग की डेट मुझे कब की मिली है ज़रा ध्यान रखना। डेट ऑफ पर्सनल हेयरिंग मिली है 16 फरवरी 2024। अपील फाइल करी 2022 में, मेरे को हेयरिंग की डेट आई 16 फरवरी 2024 में, मतलब कि लगभग 1.25 साल बाद मेरी हेयरिंग की डेट है। तो सर अब ऑर्डर कब होगा? भैया पहले अपील की हेयरिंग पे जाएंगे, इसके बाद ऑर्डर होगा। तो अपील का ऑर्डर आते आते मेरे को 1.5 साल लग जाएंगे, और 1.5 साल के साथ साथ 2 साल भी लग सकते हैं। क्या सर ये वैलिड है? चलिए एक बार हम क्या करते हैं ना, अपील का सेक्शन पढ़ लेते हैं। जो हमारा अपील का सेक्शन है वो सेक्शन 107 है, वो सेक्शन 107 है जिसमें अपील की बात होती है। और इस अपील के सेक्शन 107 में सब सेक्शन 13 क्या कहता है, द अपलेट अथॉरिटी शेल वेयर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, कि जहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है वो क्या करेगा, हियर करेगा अपील को और डिसाइड करेगा एवरी अपील विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इज फाइल्ड, कि जिस दिन आपने फाइल करी है उससे 1 साल के अंदर उसे हेयर करना है, हेयरिंग करनी है, और उसके बाद उसे डिसाइड कर देना है मैटर को। लेकिन हमारे केस में 1 साल बाद तो हेयरिंग का नोटिस आ रहा है, 1 साल बाद तो हेयरिंग का नोटिस आ रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? भैया हो सकता है जहाँ पर हमने ये अपील फाइल करी हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, उन्होंने सोचा कि भैया पहले सारी अपीलों को निपटा ले फिर इनकी हेयरिंग की दे। सर अगर हमारे को जल्दी अपील का निपटारा करना है तो क्या करना पड़ेगा? भैया आप क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन लगा सकते हो अर्ली हेयरिंग की, अर्ली हेयरिंग की एक एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भाई साहब हमारे को ना एक अर्ली हेयरिंग दे दो, कि जैसे ही हमने अपील फाइल करी है हमें 15 दिन महीने 2 महीने बाद की हेयरिंग की डेट दे दो। तो सर क्या आपने इस केस में अर्ली हेयरिंग की डेट नहीं लगाई थी? नहीं, मैंने इस डेट में अर्ली हेयरिंग नहीं लगाई थी। सर क्यों नहीं लगाई? भैया जैसा हमें क्लाइंट कहता हम उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, क्लाइंट ने हमें बोला हमें भी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, तो हमने कहा ठीक है हमें भी कोई जल्दी नहीं है, जब अपने आप ऑटोमेटिकली हेयरिंग की डेट आएगी तो हम हेयरिंग कर लेंगे। तो क्या सर अर्ली हेयरिंग लगाने पर क्या कुछ पैसे लगते हैं? भैया देखो गवर्नमेंट तो कोई फीस नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर की इच्छा पर होता है कि वो आपको अर्ली हेयरिंग दे या ना दे, और उसके लिए हो सकता है कि कुछ आपको सेवा पानी करना पड़ जाए, इसलिए मैंने तो अर्ली हेयरिंग ली नहीं थी। तो अब मेरी 16 फरवरी को हेयरिंग की डेट है, और जब मैं इस हेयरिंग पर जाऊँगा तो हो सकता है मैं वहाँ पर उन्हें ये बात भी बोलूँ कि सर सेक्शन 107 के अंदर आपने लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर करनी है, तो सर मेरी जो हेयरिंग है आज ही निपटा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये अपील वैसे ही डिले चल रही है। तो सर क्या 1 साल बाद भी ये कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्ट तो नहीं लिखा, वहाँ पर लिखा हुआ है नेसेसरी पॉसिबल टू डू सो, कि अगर ऐसा पॉसिबल है आपके पास तो आप कर दो, अगर नहीं है तो नहीं है, वेयर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। अब ऑफिसर कह देगा भाई साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो मैं कैसे करता, मेरे पास तो इतनी सारी अपील है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, आपकी अपील अगर आपको जल्दी करानी है तो आप अर्ली हेयरिंग डाल दें, और नहीं तो जो डेट आएगी पोर्टल पे उस हेयरिंग की डेट पर चले जाएं और अपने मैटर को निपटा ले। और अगर ये सारी जानकारी आपको चाहिए कि अपील कैसे बनती है, ठीक है ना, हेयरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे अपील की ड्राफ्टिंग होती है, तो अर्जुन बैच हमारा, ठीक है ना, हमारा जो अर्जुन बैच है वो फटाफट से ज्वाइन कर लो अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। सर अर्जुन बैच की तो 2-3 क्लासें निकल गई, भैया क्या टेंशन है, जो भी क्लासें निकली है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है,
तो फटाफट से देर मत करो, क्योंकि अभी तो 50 से ज़्यादा क्लासें होनी है इसमें, अभी तो 3 ही क्लास निकली है, तो 3 क्लासों की रिकॉर्डिंग ले लो, बाकी आप क्या करना लाइव क्लास ले लेना। सर हमें तो इनकम टैक्स सीखना है। भैया अगर इनकम टैक्स सीखना है तो इनकम टैक्स का भी हमारा कोर्स अभी एकलव्य बैच आ रहा है, ठीक है ना, 17 फरवरी से उसे ज्वाइन कर लो। सर हमें तो दोनों सीखने, तो दोनों का कॉम्बो ले लो, उसमें आपको ऑफर भी मिल जाएगा। और कल हमारा बैलेंस शीट का वेबिनार है जिसमें हम बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे, और ये जो MSME का फंडा चल रहा है सेक्शन 43BH का, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से अभी इसका रजिस्ट्रेशन करा लो, फटाफट से इसे ज्वाइन कर लो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू जी।